Hi guys, finally all our centers are open. So in case you want to buy any books or something, you can visit our center. Please do call and go because the timing might change or depending on when counselor is there, when our faculty is there or not. So in case you need any mentorship, any guidance, you can just call us on any of the numbers, confirm, book an appointment and you can come. So we are taking care of all the precautions as well, like mask and all and the spray, hand sanitizer and all. So we are all taking care of all the precautions. So black books are there. In case you want to buy our CET ka books or CAT 21 ka program, you are most welcome to visit the branch. Hi guys, Jamnalal Lal Bajaj admission process for 2021 batch. This is true as per today. Today matlab aaj ki date or time note kar lo. 13 December शाम को 4 बजे का स्टेटस है. ये स्टेटस किसी भी मिनट किसी भी घंटे चेंज हो सकता है. सो एज ऑफ टुडे जमलाल बजाज फॉर द महाराष्ट्र स्टेट स्टूडेंट्स सीट्स सिर्फ सीईटी स्कोर वैलिड है. ठीक है, तो इफ़ यू आर बेस्ड इन महाराष्ट्र आप सीईटी स्कोर के थ्रू जेबी जा सकते हो. ऑलराइट, आई विल एक्सप्लेन दैट ऑन द बोर्ड. दिस इज ऑल नाउ आई विल एक्सप्लेन यूजिंग द बोर्ड. सो फॉर द महाराष्ट्र स्टेट स्टूडेंट दोज हु वॉन्ट टू टेक द सीट फॉर महाराष्ट्र स्टेट दे हैव टू गिव 85% सीट्स आर फॉर महाराष्ट्र स्टेट and 15% seats are all India. Yeah, that's a main breakup. So you can go to ceteking.com/CET for the breakup of the cutoff, exact cutoffs for all the colleges for JBIMS, ceteking.com/JBIMS. I've given the link in the description box. So master state, within master state student, 50% seats are for open category, 50% seats are for the reserved category. Inko koi fark nahi padega, ye CET ke through hi hoga. Only exam accepted score is CET. But all India seats, where master student can also apply, Bombay, Delhi, Calcutta, Madras, you sitting anywhere and everywhere applying can apply through ATMA, MAT, CMAT, CET and Z score now. तो इनमें से कोई भी exam हम दे सकते हैं. यार CAT का topper यहाँ पे आएगा. CAT भी तो है. CAT और Z का topper यहाँ पे आएगा नहीं. ठीक है, 99.99 कट ऑफ है जेबी का. सिडनम 99.97, 99% फॉर द टॉप 10 कॉलेजेस. बट सीमैट, मैट, एटमा एंड मास्टर सीईटी में अगर मास्टर स्टेट का बच्चा टॉप करेगा तो वो यहाँ जाएगा ना. यहाँ क्यों आएगा, अदरवाइज बाहर का बच्चा दे सकता है. इमेजिन मी, यार मेरे को एक्सप्लेन करने में कन्फ्यूजन हो रहा है. तो इमेजिन क्या कॉम्प्लिकेटेड है यार, पूरा प्रोसेस इज कॉम्प्लिकेटेड. सो दिस इज द न्यू प्रोसेस एज ऑफ टूडे. मुझे क्या प्रॉब्लम आती है, पब्लिक मेरा पुराना 3 साल पहला वीडियो देख के आता है जिसमें कभी जेबी में जीडीपी था. सर आपने तो बोला था जीडीपी है लेकिन किसी और ने बोला जीडीपी नहीं है. अरे भाई पुराना वीडियो क्यों देख रहा है. दिस इज द वीडियो एज ऑफ टुडे. आज का स्टेटस ये है, ये कल की डेट में चेंज हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल कैसे चेंज होगा, तुम में से किसी ने लास्ट के बच्चे ने केस कर दिया कि पहले क्यों नहीं बोला एटमा मैट स्कोर ले रहा है, तो मैं भी देता एग्जाम. उसने केस कर दिया, केस जीत गया, वापस प्रोसेस चेंज हो गया. CET की वेबसाइट पर देता डेडिकेटेड कॉलम सेइंग दैट फॉर द पिटिशन एंड कोर्ट ऑर्डर्स. उनको पता कि भाई हर साल कोर्ट के ऑर्डर आते हैं क्योंकि सरकारी कॉलेज है. प्राइवेट कॉलेज क्या करते हैं, पहले अनाउंस कर देते. हैड CET अनाउंस दिस थिंग बिफोर हैपनिंग कि हम ये नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे, बाद ही खत्म हो गया. पर मेरा पॉइंट है कि पंगा क्यों लेते हैं, वाई DET चेंज द प्रोसेस एवरी ईयर. जब पता है हर साल पंगा, लास्ट ईयर भी पंगा लिया था, प्रॉब्लम आया, तो पंगा क्यों लेना भाई. चलने दो ना सेम प्रोसेस, फिक्स अप द डेट्स एंड लेट द एग्जाम हैपन एज पर दोज डेट. वाई यू हैव टू चेंज द प्रोसेस एवरी ईयर. बट क्या करें, हमारा देश गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ऐसे करते हैं. ठीक है, एनी वो भी यार इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं लेकिन पब्लिक इंप्रूव करने देता नहीं, प्रॉब्लम ये सबसे बड़ा. सो दीज आर द कट ऑफ, यू कैन चेक आउट द कट ऑफ हियर. यप, एंड ऑल इंडिया सीट्स एटमा मैट सी मैट सी टी, 4 गेम तुम्हारे पास बाकी है. एटमा मैट विल हैपन इन फेब, एटमा मैट विल अगेन हैपन इन मे. ओके, अभी क्या है कि एटमा मैट होता है घर से भी आप दे सकते हो. उसमें किसी ने झोल किया सपोज और कल को पकड़ा गया, तो DET कैन अगेन डिसाइड कि हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे. तो प्रोसेस कैन चेंज एनी टाइम. तो दिस इज अ प्रोसेस एज ऑफ टूडे, एज ऑफ नाउ दिस अ प्रोसेस. ये 4 एग्जाम तुम्हारा बाकी है, एटमा मैट सी मैट, तुम्हें टॉप करना पड़ेगा. यू हैव टू बी अ टॉपर. लुक एट दैट वे, आई नो खर्चा थोड़ा ज़्यादा होगा, 4 फॉर्म भरना होगा, 4ों में किसी में टॉप कर दिया, डायरेक्ट एंट्री इनटू जमाल बजाज. नाउ दिस इज वेयर, जिसने अभी दिसंबर का या अगर दिसंबर मैट हुआ था एटमा मैट, प्लीज टेल मी, अगर दिया था या सितंबर में एटमा मैट किसने दिया था, उसमें अगर टॉप जिसने किया होगा, भाई हमारा डायरेक्टली जेबी जा रहा है विदाउट एनी क्वेश्चन आस्क्ड.
दिस इज योर बैकअप एंट्री। सीईटी 110,000 लोग कॉम्पिटिशन है सीईटी का लास्ट ईयर। एटमा मैट देता नहीं है। एटमा पता कितने लोग देते हैं? 1200 बच्चा, और 1200 में से 1000 बच्चा अपना सीईटी का स्टूडेंट। क्लास में किससे पूछो एटमा तो नहीं जा रहा? नहीं सर, एटमा छोटा एग्जाम है, फालतू एग्जाम, कौन जाएगा उधर? साला सारा सीईटी का स्टूडेंट वहाँ वहाँ पहुँचा, और साला तू भी आ गया। सो दिस हैपन एवरी ईयर बिकॉज दिस इज अ बैक डोर एंट्री। टॉपर सीधा जेबीआर, सीईटी टॉप करना कॉम्पिटिशन ज़्यादा है। सीमेट नंबर टू कॉम्पिटिशन, एटमा नंबर थ्री, मैट सीमेट नंबर थ्री, एटमा तो कॉम्पिटिशन बहुत कम है, ठीक है। तो दिस एग्जाम विल, दिस फोर एग्जाम में किसी में तुम टॉप करके आओ, तुम जेबी जा रहे हो। नो क्वेश्चन आज, नो जीडीपीआई, नो 10-12 के मार्क्स, कुछ नहीं चाहिए। स्कोर लेके आओ, जेबी जाओ, पुराने पाप तुम्हारे कोई सामने नहीं आएंगे। ऑलराइट, दिस इज द लेटेस्ट प्रोसेस एज पर सीईटी। आपको कोई भी डाउट है प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। आई बी मोर देन हैप्पी टू मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट। ऑल द बेस्ट।